शिवपाल की जगह जब माता प्रसाद पांडे को अखिलेश ने बनाया प्रतिपक्ष तो बीजेपी के ज्यादातर कद्दावर नेता रहे साइलेंट। बस डिप्टी सीएम ने अखिलेश के बहाने शिवपाल को जलाने का किया प्रयास। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की पीठ में छुरा घोंपा। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐसा दावा तब शिवपाल ने बिना देर किए केशव को जवाब दिया करारा। शिवपाल ने अपने शब्दों में केशव के लिए ऐसी मौत, अब फिर से चाचा भतीजा के मैटर में केशव नहीं करेंगे हस्तक्षेप। लगता है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सियासत के दिन खराब चल रहे हैं। सीएम योगी को हटाने की रेस में वो हारे तो तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई। बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद क्या है, इस तस्वीर में कुछ खास है, देखेंगे तो समझ जाएंगे। दिल्ली में हुई बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की तस्वीर में आप देख रहे हैं। पहली पंक्ति में मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तो सबसे पीछे साइड में यूपी के दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिख रहे। अभी एहसास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को साल रहा होगा। इसी दौरान केशव ने एक और गलती कर दी। जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को चुनते हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश पर हमलावर होकर अपने शब्दों के जरिए शिवपाल यादव की मौज लेने लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव के फैसले को शिवपाल यादव की पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया। अखिलेश की असलियत सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते ही असलियत सामने आ गई। दलित समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी छाई हुई है। अब केशव मौर्य के हमलावर रुख पर शिवपाल ने जो जवाब दिया उसे जानकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बौखला जाएंगे। ये केवल लखनऊ से दिल्ली दिल्ली से लखनऊ और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है। कोई काम के तो सुना आपने, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कह रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ बोले हैं, उनके पास कोई काम नहीं, वो सिर्फ दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली करते हैं। सीएम ने उन्हें विभाग के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया है, अब कोई काम नहीं है इसीलिए ऐसा वैसा बयान दे रहे हैं। वैसे देखें तो अखिलेश के निशाने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसे पीडीए राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लेकर अखिलेश यादव ने यूपी के राजनीतिक मैदान में पीडीए पॉलिटिक्स की, इससे पार्टी को बड़ा फायदा दिलाने में वो कामयाब रहे। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की अदावत काफी पुरानी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2014 में जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की जिम्मेदारी दी। केशव प्रसाद मौर्य यूपी की ओबीसी आबादी को भाजपा से जोड़ने में कामयाब रहे। असर 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा। भाजपा 300 सीटों के आंकड़ों को पार करने में कामयाब रही। अखिलेश यादव को यूपी की सत्ता से बाहर करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इसके बाद से लगातार केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव हमलावर रहे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने अखिलेश यादव ने पिछले 2 सालों में सत्रों के दौरान जमकर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों विधानसभा की कार्रवाई के दौरान केशव प्रसाद मौर्य पर कई बार हमले बोले। एक कार्रवाई के दौरान केशव प्रसाद ने अपने पिता के बारे में बात करने को लेकर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन विवादों के बीच अखिलेश के निशाने पर सीएम योगी कम ही आते हैं। दरअसल सीएम योगी अपने हिंदुत्व मॉडल और बुलडोजर छवि के कारण निशाने पर लिए जाने से अधिक फायदा देते नहीं दिखते हैं।